इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को स्टडी किया और एक्सरसाइज नंबर 6.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने देखा कि सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास था Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1, और Sn इज इक्वल टू a1 इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1, और इन्फिनिट टर्म्स के लिए था S इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r एंड r इज लेस देन 1। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.9 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैन डिपॉजिट इन अ बैंक रुपीज 8 इन द फर्स्ट ईयर, रुपीज 24 इन सेकेंड ईयर, रुपीज 72 इन थर्ड ईयर एंड सो ऑन। फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिटेड इन बैंक बाय फिफ्थ ईयर। एक आदमी है जो कि पहले साल बैंक में 8 रुपये जमा करवाता है, अगले साल 24 रुपये, अगले साल 72 रुपये, और हमने ये बताना है कि 5 सालों तक उसके अकाउंट में कितने अमाउंट होगी। जब भी हमारे पास कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले हम एक सीक्वेंस बनाएंगे। इस सीक्वेंस की पहली टर्म 8, क्योंकि पहले साल वो 8 रुपीज़ जमा करवा रहा है। दूसरी टर्म 24, दूसरे ईयर वो 24 रुपीज़ जमा करवा रहा है। थर्ड टर्म इज 72 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 8, कॉमन रेशियो इज 24/8 विच इज 3। हमने सम फाइंड करना है 5 टर्म्स तक, क्योंकि 5 टर्म्स तक सम का मतलब ये होगा कि वो अमाउंट होगी जो उसने 5 साल तक बैंक में जमा करवाई। चूंकि r की वैल्यू 3 है, r इज ग्रेटर देन 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेज टू पार एन माइनस 1 ओवर r माइनस 1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस 5 हमारे पास आ जाएगा a1 की जगह पे, 8 पुट कर देंगे, r की जगह पे 3 पुट कर देंगे, n की जगह पे 5 पुट कर देंगे, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 3 रेज टू पावर 5 विच इज 243 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। इस 5 हमारे पास आ जाएगा 8 बाय 2 इज 4 इंटू 242। मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 242 के साथ, तो ये हो जाएगा 968। सो 968 रुपीस उसके अकाउंट में होंगे 5 साल के बाद। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज अ मैन बोरोज रुपीस 32,760 विदाउट इंटरेस्ट एंड एग्रीज टू रिपे द लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन। फाइंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 8। एक पर्सन जो है वो 32,760 रुपए उधार लेता है और इस बात पे एग्री करता है कि वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में वापस करेगा, और हर इंस्टॉलमेंट उससे पहली वाली इंस्टॉलमेंट का डबल होगी। हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बतानी है अगर पहली इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की हो तो। हम इस प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेंस में देखते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने बता दी रुपीज 8। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेंस में देखें तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी a1 इज इक्वल टू 8। दूसरी चीज उसने बताई कि हर इंस्टॉलमेंट जो होगी वो उससे पहली वाली इंस्टॉलमेंट का डबल होगी, मीन्स कॉमन रेशो जो होगी वो 2 होगी। और तीसरी चीज हमें बता दी है टोटल अमाउंट
और एस एन जो कि है 32,760 रुपीस। हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बतानी है। सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी होगी। 20th इंस्टॉलमेंट लास्ट होगी, 25th इंस्टॉलमेंट लास्ट होगी, तो वो हम सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करते हुए एन फाइंड करेंगे कि जब हमारे पास एस एन जो है वो 32,760 रुपीज़ हो, आर 2 हो, ए 1 8 हो, तब हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी। और वो एन की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होंगी, और वहाँ से भी हम लास्ट इंस्टॉलमेंट इजीली बता सकते हैं। तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। एस एन हमारे पास है 32,760 इज इक्वल टू ए वन की जगह पे 8 टू रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर 2 माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 32,760 डिवाइडेड बाय 8, और 2 रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 4,096। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप खुद इसको इजीली कर लेंगे। 2 रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 4,096। 4,096 इज एक्चुअली 12th पावर ऑफ 2, और जैसे कि पहले भी आपको पता है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो, आपस में इक्वल हो, वो तो उनकी पावर्स आपस में इक्वल होती हैं। सो एन इज इक्वल टू 12। इट मीन्स के वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये सारी अमाउंट वापस करेगा। तो हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बताना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास 12th इंस्टॉलमेंट होगी, तो हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 12th टर्म फाइंड कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। ए वन हमारे पास 8 है, आर हमारे पास 2 है, एन इज 12, 12 माइनस वन इज 11। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 2,048, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16,384, विच इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज द एनरोलमेंट ऑफ फेमस स्कूल डबल्ड आफ्टर एवरी 8 ईयर्स फ्रॉम 1970 टू 1994। इफ द एनरोलमेंट वॉज 6,000 इन 1994, वट वॉज एनरोलमेंट इन 1970। एक फेमस स्कूल की जो एनरोलमेंट है वो हर 8 साल बाद डबल हो गई फ्रॉम 1970 टू 1994। अगर 1994 में इनरोलमेंट 6,000 हो तो हमने ये बताना है कि 1970 में इनरोलमेंट कितनी होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 1970 में इनरोलमेंट ए थी तो 8 साल बाद वो डबल हुई, मींस 1978 में वो डबल हो गई 2A, और उसके बाद 8 साल बाद 1985 में वो फिर डबल हो गई यानी के 4A, और 1994 के बाद वो हो गई 8A। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेंस में देखें तो हमारे पास n की वैल्यू 4 है, कि 1994 में
जो उसने हमें इन्वॉल्वमेंट बताई है वो एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है, और आर हमारे पास टू है क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है डबल हो रही है, और हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। जब एन की वैल्यू फोर है तो हमारे पास टर्म की वैल्यू है 6000। ए वन हमने फाइंड करना है, आर इज टू रेज टू पार फोर माइनस वन इज थ्री। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 6000 ओवर टू रेज टू पार थ्री इज एट एंड ए वन इज 750। सो 750 इज द इनरोलमेंट इन 1970, और उसके बाद ये डबल हुई 8 साल के बाद 1978 में, तो ये हमारे पास हो गई 1500। उसके 8 साल बाद 1985 में ये होगी 3000, और उसके 8 साल बाद 1994 में ये हमारे पास होगी 6000। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर के 1970 में उसकी इनरोलमेंट 750 स्टूडेंट्स थे। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.9 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, और जब भी हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम उसको या तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेंस में लेके आएंगे या उससे एक सीक्वेंस बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में हमने एक सीक्वेंस बना लिया और उसमें जो चीज़ हमें चाहिए थी वो फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर टू में हम उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सेंस में ले आए, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, सम, और उसके बाद जो चीज़ चाहिए थी वो फाइंड कर ली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर में भी हम उसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सेंस में ले आए और जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली। इससे नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं, आप खुद उनको करेंगे।